ओके सो लास्ट सेशन में हमने अपना डीओस देखा था। हमने ये पता लगाया था कि अगर इन्वेस्टिगेटर हुआ और इन्वेस्टिगेशन टाइम पे आपको किसी कंपनी को प्रोटेक्ट करना है, किसी सर्वर को प्रोटेक्ट करना है, तो उसमें आपको सबसे पहले पता चलता है कि अलग अलग टाइप के अटैक्स कैसे हो सकते हैं, राइट। हाँ सर, सो वहां पे हमने सबसे पहले डीओएस अटैक देखा था कि लोग जो है जो अटैकर्स हैं वो बेसिकली कंपनीज के ऊपर डीओएस अटैक करते हैं, जिसकी वजह से उनकी सिक्योरिटी क्या होती है ब्रीच हो जाती है और वो सर्वर क्या होता है क्रैश हो जाता है, राइट। राइट सर, सो इसके लिए हमने लास्ट टाइम पे लाइक डीओएस समझा था, लिंक्स के थ्रू देखा था, फिर उसके बाद हमने इसके अंदर आपका पर्टिकुलर प्रोपगेशंस पढ़े थे कि तीन टाइप के कनेक्शन हम क्रिएट कर पाते हैं, लाइक सेंट्रल प्रोपगेशन, ब्लैक चेनिंग प्रोपगेशन एंड ऑटोनॉमस प्रोपगेशन। फिर उसके हमने सिंक्रोनाइजेशन फ्लडिंग देखी थी, जैसे हमने पैकेट्स की बाढ़ लेके आए थे, है ना, हाँ किसके सर, ऊपर लेके आए थे, विद द मेटास्प्लॉइट के थ्रू विंडोज 7 मशीन या विंडोज 7 सर्वर के ऊपर, जिसमें हमने दो पोर्ट्स का यूज किया था। एक तो हमने FTP यानी 21 पोर्ट का यूज किया था और एक हमने HTTP यानी 80 पोर्ट का यूज किया था, राइट। हाँ सर, ठीक है, सो ये उसके कमांड्स थे सारे। अब उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन फ्लडिंग, हमने HTTP 3 के थ्रू भी सिंक्रोनाइजेशन फ्लडिंग करी थी, जिसमें हमने वायरशार्क के थ्रू भी पैकेट भी कैप्चर करके देखे थे कि कौन कौन से पैकेट जा रहे हैं और कितने पैकेट्स वहां पे एक ही पोर्ट के ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं, है ना, जिसमें हमने दोनों तरीके से किया था, लाइक रेंडमाइज पोर्ट्स पे भी किया था, रेंडमाइज IP सिप के थ्रू भी किया था और एक फिक्स IP के थ्रू भी किया था, जिसमें हमने एस होस्ट भी सेट किया था, राइट। राइट सर। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, दैट इज कॉल्ड अ DDoS अटैक। इसको क्या बोलते हैं, DDoS अटैक। ये थोड़ा सा उसका एक्सटेंडेड वर्जन है आपका DDoS अटैक का। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि कई सारे, जैसे DDoS अटैक में केवल किसी एक सिस्टम के थ्रू या एक नेटवर्क के थ्रू किसी अनदर नेटवर्क के ऊपर अटैक करते हैं, जबकि DDoS अटैक में मल्टीपल नेटवर्क्स के थ्रू किसी भी एक नेटवर्क के ऊपर अटैक किया जाता है, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस DDoS अटैक इज अ मैलिशियस अटेम्प्ट टू डिस्ट्रीब्यूट नॉर्मल ट्रैफिक ऑफ अ टारगेटेड सर्वर सर्विस और नेटवर्क बाय ओवरविलिंग द टारगेट और इट्स सराउंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विद अ फ्लड ऑफ इंटरनेट ट्रैफिक। DDoS अटैक अचीव इफेक्टिवनेस बाय द यूटिलाइजिंग मल्टीपल कॉम्प्रोमाइज कंप्यूटर सिस्टम एज सोर्सेस ऑफ अटैक ट्रैफिक। तो यहाँ पे क्या है कि हम किसी एक के थ्रू नहीं, हम मल्टीपल सिस्टम्स को टारगेट करते हैं, उन मल्टीपल सिस्टम्स को टारगेट करके उनसे किसी एक पर्टिकुलर नेटवर्क के ऊपर अटैक कराते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ DDoS अटैक। ठीक है, सो इसके लिए एक छोटी सी वीडियो देखते हैं। First step in launching a distributed denial of service attack, or better known as a DDoS attack, is to recruit an army of bots. In order to turn a computer into a bot, attackers develop specialized malware, which they spread to as many vulnerable computers as possible. Malware can spread via compromised websites, email attachments, or through an organization's network. Any users tricked into running such malware will unintentionally turn their computer into a bot and provide an access point for attackers to their computer. Once a computer turns into a bot, it connects to the email attachments or through an organization's network. Any users tricked into running such malware will unintentionally turn their computer into a bot and provide an access point for attackers to their computer. अब जैसे ये प्रोसीजर सबसे ज्यादा यूज होता है, वेबसाइट्स होती हैं उनके ऊपर डाल देते हैं किसी भी टाइप के मेलवेयर्स को और वहां से लोग एक्सेस करते हैं, उनके सिस्टम के अंदर मेलवेयर आ जाता है, समझ हाँ सर, समझ रहा हूँ, समझ। Once a computer turns into a bot, it connects to the attacker's command and control servers, and it begins to accept orders from these centralized machines. The orders from the command and control servers include directions for launching an attack from the bot's malware to a particular target using selected attack methods. An army of bots is named a botnet and usually consists of thousands of bots.
Anytime the botnet owners want to launch an attack, they send messages to their botnet's command and control servers with instructions to perform an attack on a particular target. Any infected machines in the botnet will comply by launching a coordinated, well-timed distributed attack, known as a DDoS attack. Launching a large-scale DDoS attack is not a difficult task to carry out. One doesn't need to create its own botnet, as various pay-for-hire DDoS services are available. Anyone using such a service can launch a powerful DDoS attack on a target of their choice for anywhere from $5 to $200 per hour, depending on the attack size and duration. An average duration of a DDoS attack is about 24 hours. The motivations behind DDoS attacks can be financially driven, pursuit of crippling a business competitor, hacktivism, political, or even just for fun. No one, however, should doubt the potential cost of a successful attack. The business impact of a DDoS attack is substantial and can involve financial losses, reputation damage, customer agitation, and legal repercussions. Want to know how to protect your online business from DDoS attack? Clear हुआ कि DDoS attack के through क्या-क्या problems भी create होती हैं? हाँ sir, clear sir. Okay. So DDoS attack में एक most popular attack है जिसे हम बोलते हैं ping of death. ठीक? Ping of death होता क्या है? A ping of death attack is a denial of service DDoS attack in which the attacker aims to dispute a target machine by sending a packet larger than the maximum allowable size, causing the target machine to freeze or crash. यहाँ पे क्या होता है कि जो DDoS attack होता है इसके अंदर ping of death के अंदर हम dispute create करते हैं target machine के ऊपर किस तरीके से sending a larger packets. यानी जितने पैकेट्स वो अलाउ कर सकता है मैक्सिमम पैकेट जितने उसको रिसीव करने चाहिए उससे ज्यादा उसको पैकेट्स क्या करते हैं मैक्सिमम साइज में सेंड करते हैं कॉजिंग द टारगेट मशीन इज टू बी क्रैश और फ्रीज. तो उससे होता क्या है कि या तो मशीन क्रैश हो जाती है या तो मशीन फ्रीज होने लगती है. द ओरिजिनल पिंग ऑफ डेथ इज बेसिकली लेस कॉमन टूडे आज के डेट में बहुत कम देखने को मिलता है. रिलेटेड अटैक दैट इज ICMP फ्लडिंग अटैक इन मोर रिलेवेंट या मोर रिलेवेंट. तो यहाँ भी क्या होता है कि हम पिंग ऑफ डेथ तो आजकल बहुत कम देखते हैं. इवन एंड वी कैन यूज अ टाइप ऑफ अटैक दैट इज ICMP फ्लडिंग अटैक. ठीक है, तो क्योंकि पहले आपके पिंग अटैक्स में पैकेट जाते हैं सिग्नलाइजेशन अकाउंट से जाते हैं ICMP पैकेट जाते हैं. राइट, ओके. So, ये किस तरीके से काम करता है एंड हाउ डज अ पिंग ऑफ डेथ वर्क. एंड इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ICMP इको रिप्लाई मैसेज ऑफ पिंग इज अ नेटवर्क यूटिलिटी यूज्ड टू टेस्ट द नेटवर्क कनेक्शन एंड इट वर्क्स मच लाइक सोनर अ पल्स इट सेंड आउट द इको फ्रॉम द पल्स टेल्स द ऑपरेटर इंफॉर्मेशन अबाउट द एनवायरमेंट. इफ द कनेक्शन इज वर्किंग the source machine receives a reply from the targeted machine. तो ये आपको पता ही है, like हम ping करके normally check कर सकते हैं ना. तो while some ping attack, ping packet are very small, IPv4 या IP4 ping packets are much larger and can be large. The maximum allowable packet size 65535 bytes. जो एक नॉर्मल पैकेट होते हैं, नॉर्मल जो एक पर्टिकुलर सर्वर होता है वो आपके 65535 पैकेट्स को रिसीव कर सकता है. सम TCP/IP सिस्टम्स वेयर नेवर डिजाइन्ड टू हैंडल पैकेट लार्जर देन द मैक्सिमम साइज देन मेकिंग देम वल्नरेबल पैकेट्स अबव द साइज. यहाँ पे क्या होता है कि जितने सिस्टम्स कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं कुछ सर्वर्स ऐसे होते हैं कि इनको जितना साइज का पैकेट दिया गया आपके यहाँ मैक्सिमम यही है उतने ही रिसीव कर सकते हैं. उससे ज्यादा अगर उन्हें भेजोगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं ना. लाइक अ सिंपल थिंग, आपकी एक हार्ड ड्राइव है, उस हार्ड ड्राइव के अंदर अगर 1 TB की स्पेस है, आप 1 TB से ज्यादा डालोगे तो वो क्या करने लगेगा, स्लो हो जाएगा और एक टाइम पे क्रैश हो सकता है. राइट, व्हेन अ मैलिशियस लार्जर पैकेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अटैकर टू द टारगेट दैट पैकेट बिकम्स फ्रेगमेंटेड इनटू द सेगमेंट्स. अच्छा, पैकेट एक साथ नहीं जाते, फ्रेगमेंट जो होते हैं वो फ्रेगमेंट हो जाते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं. ईच ऑफ विच इज बिलो इन द मैक्सिमम साइज लिमिट व्हेन द टारगेट मशीन अटेम्प्ट टू पुट द पीसेस बैक टुगेदर द टोटल एक्सीड द साइज लिमिट एंड बफर ओवरफ्लो कैन अकर. तो वहां पे क्या होता है, अगर ज्यादा पैकेट चले जाते हैं तो वहां पे बफर ओवरफ्लो की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है
causing the target machine can be freeze or crash or the reboot. ठीक है? तो attacker send a malicious packet कितने send करता है? Like इतने सारे packet send कर देता है, जो normal packet receiving होती है वो इतनी होती है. ठीक है? तो इसको करना कैसे? इसके लिए हम HPing 3 का use करेंगे. It is a network tool which is used for crafting the packet, testing the firewall, digital footprinting and much more. अच्छा, याद रखो कि HPing 3 tool जब आप use कर रहे हो, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप जितने भी पैकेट्स आप HPing 3 का जब यूज करो तो आपके सिस्टम के अंदर GPU इंस्टॉल होना चाहिए. ओके सर. अगर GPU नहीं है तो वहां पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी और आप इसका यूज नहीं कर पाओगे. सो लेट्स कम टू द प्रैक्टिकल पार्ट. Just give me a minute, मैं मशीन कनेक्ट कर लेता हूँ. You can see my screen, right? Yes, sir. I am able to see. Okay. So same रहेगा. हमारे पास जो target machine है, target machine को resume कर देते. Okay. So HPing 3 का use करना है. HPing 3 space IP address देना है, तो सबसे पहले आपको IP address find out करना पड़ेगा. तो we can use the arch scan cell. Now I am just having some IP, that is 130. ठीक है, तो हम इसका use करेंगे 130 का. तो HPing 3 space 192.168.223.130. ठीक है, स्पेस माइनस सी. नाउ कितने नंबर ऑफ काउंट्स आपको भेजने हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ काउंट सेट कर देता हूँ. माइनस डी आपको कितने रैंडमाइज पैकेट्स वहाँ पे भेजने हैं, आप वो सेट कर दो नंबर. फिर कैसे भेजोगे, पर्टिकुलर आपके आईपी से जाए या रैंडमाइज सोर्स से जाए? तो मैं कह रहा हूँ कि रैंडम सोर्स से जाए, तो यहाँ पे मुझे रैंडम सोर्स उसको बताना पड़ेगा. रैंडम सोर्स का यूज करें. ठीक है, स्पेस क्या, माइनस माइनस फ्लड बार लेके आनी है. माइनस पी किसी पोर्ट पे देनी है या नॉर्मल देनी है? तो मैंने कहा एक पोर्ट पे दो 7306. कौन सा पोर्ट होता है ये? सर्विस का नाम याद है आपको? 3304 ये याद नहीं है सर. 3304 अपाचे सर्वर. ओके सर. अपाचे सर्विस है ना. ओके ओके. तो नाउ लेट्स चेक. पहले टास्क मैनेजर रिसोर्स. ओके, इस सर्वर का अपाचे क्या कह रहे हैं? इस अपाचे सर्वर का पोर्ट 3306 है. ओ याद है, मैं एक्चुअली पोर्ट 80 होती ना सर, वो कंफ्यूज हो गया था सर, सॉरी. कोई नहीं कोई नहीं, होता है, भूल जाता है कई बार. 0 CPU परसेंट हो रहा है 12 KB एंड 0 एंड मेमोरी बहुत कम है अभी, है ना, 0 पे है. ठीक है, तो अटैक स्टार्ट करें. उससे पहले ले लेते हैं वायरशार्क ताकि हम पैकेट देख पाएंगे. ओके, ETS 0 पे स्टार्ट कर देते हैं. नाउ चलो, नाउ प्रेस एंटर. स्टार्ट हुआ. नाउ पैकेट्स देखो 130 पे जा रहे हैं रैंडमाइज, कोई भी आईपी उठा रहा है. 3306 पे जा रहा है. अच्छा, आ जाओ.
ये देखो ग्राफ डिस्क स्पेस देखो 7 एमबी एमबी में चले गए ठीक है हां सर 5 एमबी 2 एमबी थोड़े टाइम अगर ये चला तो ये सिस्टम क्रैश हो सकता है और सिस्टम से आप कर लो वो भी क्रैश हो सकता है अगर उसके पास जीपीयू नहीं है पंद्रह एमबी देखो 16 एमबी दिख रहा है सर पैकेट देख लेते एक बारी सर पैकेट कहाँ चले गए मेरे वाशर बंद कर दिया क्या मैंने वाशर बंद कर दिया रे ये देखो जा रहे रैंडमाइज सोर्स सोर्स देख लो रैंडमाइज है आईपी जा रही है क्लियर है सर क्लियर सर ठीक है तो मैं इसको कर देता हूँ आप किसी और पोर्ट पे करना चाहो तो आप किसी और पोर्ट पे भी अटैक कर सकते हो so let's try to attack with another port वो तो स्लो हुई ना हुई जिस मशीन से अटैक कर रहे थे उस पे जो इफेक्ट पड़ने लगा आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई डीडीओएस अटैक किस तरीके से काम करता है ना हां सर हां सर बढ़िया अब आप इसमें पर्टिकुलर एक पोर्ट पे भी सिलेक्ट कर सकते हो हम लास्ट टाइम जो कमांड चलाया था लाइक उसमें आपने 3306 लिया था इफ आई एम गॉट टू आई कैन यूज द 21 पोर्ट नंबर एचटीटीपी पोर्ट नंबर यानी 80 पोर्ट नंबर जो भी मैं चाहूँ वो कोड मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ यूज कर सकता हूँ क्लियर है क्लियर सर सो लेट्स कम टू द मेन फाइल ओके सो डीडीओएस अटैक ये चीज सर में आई अब आप इस अटैक का यूज किसी पर्टिकुलर साइट पे भी कर सकते हो अगर आप किसी वेबसाइट पे करते हो इसका यूज तो यहाँ पे मैंने दो लिंक दिए हैं इज इट साइट डाउन अस या फिर आपका इज इट डाउन राइट नाउ डॉट कॉम आप इन साइट्स का यूज करो तो ये आपको बताएंगे चेक करके कि वो वेबसाइट डाउन हुई है या नहीं हुई है ठीक है ओके सर श्योर क्या वो कॉपी नहीं हुआ जैसे मैंने यहाँ पे डाला www.gwgle.com now is it down check किया इसने बताया this site is not down ठीक है अगर यही है मैं किसी साइट के ऊपर अटैक करूँ DDoS का और वो डाउन हो जाती है तो वहां पे क्या होगा हम बोल सकते हैं कि this site is basically down site ठीक है वो एक्चुअली बंद हो जाएगी एक ये साइट आप इस पे भी चेक कर सकते हो दिस इज अ वेरी गुड वेबसाइट
सो ये देख रहा है यहाँ पे और चेक कर रहा है कि ये साइड डाउन है या नहीं है। तो देखो इसने बताया वर्किंग है इज अप रीचेबल बाय यस, दिखा रहा है यस सर, कह रहा है साइड को आप चेक कर सकते हो। बढ़िया, ओके। नेक्स्ट आपके पास आता है, अब इसका प्रिवेंशन कैसे करते हैं, डिफेंडिंग कैसे करनी है इसकी, है ना, अगेंस्ट डीओएस अटैक। तो डिफेंस के लिए सबसे पहले आप समझो यहाँ पे द थ्रेट्स ऑफ बीइंग टारगेटेड बाय द डीओएस अटैक हैव लीड मेनी मेजर ऑनलाइन सर्विसेज टू इंप्लीमेंट वेरियस स्ट्रेटजीज फॉर हैंडलिंग ओवरवेलमिंग फ्लड ऑफ डेटा और ट्रैफिक। सो उसके लिए तीन तरीके बताए गए हैं, सम ऑफ द एंटी डीओएस टेक्निक्स। सबसे पहला है दैट इज अ ट्रैफिक एनालिसिस एंड अ फिल्टरिंग पार्ट। तो ट्रैफिक एनालिसिस क्या होता है बेसिकली, ये समझो आप, ट्रैफिक एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एंड द डेटा दैट स्ट्रीम थ्रू देम विद इन अ नेटवर्क। अभी जो हमने वायरशार्क के थ्रू पैकेट्स को कैप्चर करके पता किया कि किसके ऊपर अटैक हो रहा है, तो इसे कहते हैं पैकेट ट्रैफिक एनालिसिस एंड फिल्टरिंग पार्ट, ठीक है। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, कंपनी में आप ऐसे चेक करके उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। दूसरा होता है श्रिंक होलिंग। नाउ व्हाट इज दैट श्रिंक होलिंग? श्रिंक होलिंग इज बेसिकली रीडायरेक्शन ऑफ द ट्रैफिक फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डेस्टिनेशन वन स्पेसिफाइड बाय द श्रिंक होल ओनर्स। The alter destination is known as a shrink hole. The name is a reference of physical shrink hole into which item apparently disappears. Shrink hole can be used for good or ill intent. Shrink hole होता क्या है? आप ये समझो सबसे पहले। आपने WAF का नाम सुना है? WAF सुना है सर, मैं AWS में WAF होती है सर, वो WAF होती है, Cloudflare। जिसमें जितने भी पैकेट्स आते हैं वो डायरेक्ट मेन टारगेट पे ना पहुंच के सबसे पहले उसके पास जाते हैं और उसके अंदर से ये श्रिंक होल क्या होते हैं, आप उनको कैप्चर करते हो, कैप्चर करके उन श्रिंक होल में सारे पैकेट्स वहां पे जाते जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो नेटवर्क है, एग्जैक्ट जो ओरिजिनल नेटवर्क है वो सिक्योर रहता है। ठीक है, ये कहलाता है श्रिंक होल। अब इसके लिए एक वीडियो है तो आपको उससे क्लियर होगा कि श्रिंक होलिंग अगर आप करना चाहते हो या बेसिकली किस तरीके से काम करती है तो वो आपको ये चीज क्लियर करेगा। राउटर्स के अंदर आप श्रिंक होल कैसे बना सकते हो, कैसे डीडीओएस अटैक से अपने पर्टिकुलर कंपनी को प्रोटेक्ट कर सकते हो, नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर सकते हो, दिस वीडियो विल एक्सप्लेन यू। ओके ओके सर। Now, DOS protection or DDoS protection. All right, so as you remember in my Xerxes videos and in my other DDoS videos, I talked about the fact that you can actually block the ICMP pings, etc., etc. And most of you thought that I was lying or there isn't something like that. So this is a video in response to that. And for those of you who are asking me how to do it, this video is also for you. So as you can see, I've actually logged into my router here, the router control panel. And there's not going to be anything serious here because again, it is a subnet-based system. So in terms of IP addresses, I don't want people coming telling me that, you know, I saw your IP address and I'm going to DDoS you, you know, that just doesn't work anymore. So if I just go to the security and I go to advanced security, you can see that I have something called DOS protection. Now, for those of you who are actually calling me out and telling me there isn't something like this, what do you have to say about this? All right, so if you just read on the right here where you have your help or your documentation, you can see that it allows you to enable or disable the DOS protection function. When it's enabled, the flood filters will be enabled. So again, you have your ICMP flood attack filtering. So what this means is once you enable this, performing a DDoS or DDoS attack will not take down your internet connection in the sense that
to block the ICMP floods. And when you're talking about, for example, stuff like the TCP synchronize headers for the packets, you cannot enable that. So depending on the type of DOS or DDoS attack you're trying to perform, if you have a good access point or a modern router, I would say it should have this. Now, I'm not sure if your router doesn't have this security protocol or security feature, you might be looking at, selecting a new one if this is what you're really up to or what you intend to do. So by default, you can enable the DOS protection, and then you can finally enable the type of packets you'll be sending. So you have your user datagram protocol, UDP, ICMP, TCP, the synchronized flood attacks, which is very, very powerful as well. You can increase the threshold depending on what you've set so that, there's no packet loss. And then you can also forbid the ping packets from the WAN port and the LAN port. So again, you can forbid it from affecting other computers on your network. All right, but I don't perform DOS attacks or DDoS attacks for that matter. So again, I don't need to enable it. But this is the way to do it. And for those of you who are calling me out, I hope you can see that it is real. If you're telling me that Xerxes doesn't work, it does work. You just need to know what you're doing with your router and you need to understand the flow of packets. So again, this is a short video and I just wanted to clear things up. Don't worry, uploads will be regular now, and the web penetration testing video should come straight after this. Anyway, as I said, that's a small little video just to help you guys who are a bit confused. And if you found value in this video, please leave a like down below. Haji, so is it clear? Yes, sir. Just give me 1 minute, then we will continue. Okay. So bas hai. Theek hai? Okay, sir. The internet is becoming a bigger target than ever for attacks. Think about the impact. Every aspect of your day, from online banking to your business activities to shopping, simply staying connected becomes vulnerable. Experts agree cyber attacks will continue to strike at a faster pace and with greater impact every time. A single attack can dramatically slow down the entire internet. In fact, for just a few dollars, cyber criminals can launch what's called a DDoS attack, or distributed denial of service. DDoS is a complicated term for what is essentially a tsunami of unwanted internet data. By commandeering more than one computer system, which refers to the distributed part, a DDoS attack sends a tsunami of data through the internet, which subsequently overwhelms the reach of the target. The attack can knock out a website or even a data center for days. This is where a technology called black holing comes in. It isolates and contains the attack. Black holing is a way to redirect the unwanted internet data away from a target. The unwanted internet data is marked and blocked so that it never reaches the intended destination. This unwanted internet data is then captured and dropped from the network into oblivion, or the black hole. Black holing is critical in stopping the flow of unwanted internet data. But where does black holing take place? Black holing takes place within internet exchanges. Massive amounts of internet data transits through internet exchanges, passing from one internet service provider to another. Internet service providers use internet exchanges for what is called peering. Peering is an agreement between these internet service providers, or ISPs, to exchange internet data on their networks. Peering presents many benefits for ISPs, including improving the efficiency and performance of internet data flows, because at an internet exchange, more internet data flows can be protected from DDoS attacks in fewer locations, and attacks can be stopped closer to the source. What does that mean for you? A smarter, faster, and safer internet, always on, always secure, and ready when you are. Clear? सर बढ़िया
Now, जो हमारा लास्ट तरीका है दैट इज आईपी बेस्ड प्रिवेंशन, जिसे हम आईपीएस प्रिवेंशन भी बोलते हैं। आपके जो फायरवॉल होती है उसके अंदर आईडीएस आईपीएस होता है, आपका रूम साइड बनाते हैं, है ना? तो उसमें जो पर्टिकुलर ये वाला आपका ये किस चीज का है? आईपी बेस्ड प्रिवेंशन का। An institution prevention system that is a IPS institution prevention IPS is a form of network security that works to detect and prevent identified threats. Institution prevention system continuously monitor your network, looking for possible malicious incidents and capturing information about them. So this is called a IP prevention system. ठीक है? Clear है? Yes sir. Clear sir. सर तो ये वाली जो तीन स्टेप्स हैं, तीन के प्रोसीजर हैं जिनके पर हम क्या कर सकते हैं, डीडी और अटैक के डीओ अटैक से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। इफेक्टिव तरीका होता है आपका श्रिंक होलिंग का, जिसे हम ब्लैक होलिंग भी कहते हैं। ठीक, यस सर। ओके, तो ये था आपका फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में कि आप किसी भी कंपनी को अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो वहां पे आप श्रिंक होल प्रोसीजर यूज कर सकते हो, आप नेटवर्क एनालिसिस प्रोसीजर यूज कर सकते हो जिसके बेसिस पे आप उस कंपनी को प्रोटेक्ट कर पाओगे। क्लियर? क्लियर सर। ठीक है, तो इसके नोट्स ले लीजिए और आज के लिए इतने रखते हैं। देन वी विल कंटिन्यू टुमारो आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो भी हमारे लिए नया मिलेगा हमें। ओके सर, बिल्कुल सर।